से टकराकर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बारादरी पुलिस ने बताया कि हिमांशु श्रीवास्तव पर 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और रंजीत पर 4 मुकदमे बारादरी कैंट और इज्जत नगर में दर्ज हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों से लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से हथियार भी जब्त किए हैं। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोग कहीं घायल पड़े हुए हैं और वो स्कूटी भी उनके पास गिरी हुई थी। पुलिस के द्वारा वहाँ पहुँच कर इनको अस्पताल पहुँचाया गया तो पता चला, साथ में ये पता चला कि एक महिला से दोनों ही जो लोग हैं ये पर्स छीन कर भागे थे और उसके बाद हड़बड़ी में जब ये भाग रहे थे तो डिवाइडर से टकरा के इनकी जो स्कूटी पलट गई और वहाँ पर ये घायल हो गए। पुलिस के द्वारा इसमें जब इनसे और पूछताछ की गई तो ये पता चला कि कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत और कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत और बरादरी में इन्होंने पूर्व में लूट की घटनाएं की हैं, जिसमें कहीं मोबाइल फ़ोन लूटा गया था और कहीं पर पर्स छीना गया था। उन सभी घटनाओं का निवारण इसमें किया गया और उनके घर से जो सामान उसमें गया था, मोबाइल फ़ोन और पर्स और जो आधार कार्ड या अन्य जो जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।